हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टू मैथ्स और इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर थ्री विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसके एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट करने वाले हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है इसका मैं एक आपको मेन क्वेश्चन क्या है वो बता देती हूँ कि हमें ये वर्ड प्रॉब्लम इक्वेश में कन्वर्ट करनी है उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस का दो इक्वेशन्स बनेंगे बिकॉज चैप्टर में हर इक्वेशन में ही दो इक्वेशन बनेंगे बिकॉज पेयर है लीनियर इक्वेशन का भी पेयर है दो इक्वेशन बनेंगी फिर उनको सॉल्व करना है हमें विद द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड या सब्सिट्यूशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यदि आपको नहीं आता है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए और इस क्वेश्चन uh, में बेसिकली वही है आपको ये एक पूरा क्वेश्चन गिवन है एंड में हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे सो so स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर है आप जाके देख सकते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है फाइव इयर्स अगो सी यहाँ पे एज की बात आ रही है देखो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो फाइव इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू टेन इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू सो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू सो so, आपके पास पता है ये एज का क्वेश्चन है तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम में एज का क्वेश्चन आता है उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सो so, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो नाम हमें दिख रहे हैं एक नूरी और एक सोनू तो हमें हम क्या करते हैं लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स हम नूरी की एज को एक्स ले ले लेते हैं एंड लेट एज ऑफ सोनू एज वाई ठीक है हमने क्या किया नूरी जिसमें एक एक यहां पे एक मेंबर है जिसको मैंने एक्स लाइट कर लिया जिसकी एज को और सोनू की एज को मैंने वाई लाइट कर लिया अब हम दोनों के क्वेश्चन बना के देखते हैं तो सबसे पहले देखो फाइव इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू प्रैक्टिकली सोचो आज से पांच साल पहले की बात हो रही है So, पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं फाइव ईयर्स अगो वाली फाइव ईयर्स अगो में क्या है फाइव अगो सबसे पहली चीज अगर पांच साल पहले की बात हो रही है अगर मान लीजिए आप आज फिफ्टीन इयर्स आप अगर आज पंद्रह साल के हैं तो पाँच साल पहले की अगर मैं एज पूछूं तो आप क्या करोगे अपनी एज में से फाइव को सब कर दोगे तो यही मैंने क्या किया नूरी की एज में से यानी कि एक्स में से भी फाइव सब कर दिया और सोनू की एज में से भी फाइव सब कर लिया बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक की एज कम होगी पांच साल पहले तो दोनों ही पांच पांच साल छोटे रहे होंगे ना So, उसके बाद क्या करना है अब स्टेटमेंट देखो फाइव इयर्स अगो पाँच साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू नूरी जो है सोनू से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यह है नूरी की स्टेटमेंट और यह है सोनू की सो so, जो नूरी है वो सोनू से तीन गुना बड़ी है थ्री टाइम्स तीन गुना बड़ी है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आपको इतना तो पता है कि या तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई होगा या यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई होगा लेकिन वो कैसे होगा वो ध्यान से देखो अब अगर मैं इनको इनके बीच में इक्वल्स कब रख सकती हूँ जब मैं ये स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में डाल दूँगी कि नूरी जो है सोनू से थ्री टाइम्स थ्राइस थ्री टाइम्स बड़ी थी तो अब क्या करोगे आप नूरी में थ्री मल्टीप्लाई करोगे या सोनू में तो आप लॉजिक लगाओ नूरी बड़ी है अगर मैं नूरी में ही थ्री मल्टीप्लाई कर देती हूं तो ये तो और बड़ी हो जाएगी इक्वल तो नहीं होगी इक्वेशन तो हम हमेशा क्या करते हैं जो छोटी एज का दिख रहा है हमें हमें दिख रहा है नूरी थ्राइस बड़ी है तो छोटा कौन हुआ सोनू तो सोनू की एज के साथ हम उसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप लॉजिकली अगर इस क्वेश्चन को सोचे तो अगर आप नूरी को ही और थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो और भी बड़ी हो जाएगी लेकिन हमें इक्वेशन का मतलब क्या होता है उनको इक्वल में लेके आना है इक्वल में कब आएगा जब हम सोनू की एज को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्लियर हुआ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एक्स माइनस फाइव थ्री इंटू वाई थ्री वाई माइनस थ्री इंटू फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन सो एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस फिफ्टीन और ये इधर वाला माइनस फाइव हम उधर ले जाते हैं प्लस फाइव कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस माइनस माइनस होता है और फिफ्टीन माइनस फाइव हो गया टेन साइन क्या लगेगा नेगेटिव का बिकॉज फिफ्टीन और फाइव में बड़ा नंबर कौन सा है फिफ्टीन है और बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वही आपका यहाँ पे आता है सो अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन सकती है देखो x माइनस थ्री वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो अब ये मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे एक साइड लेके आना है आप इसको यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एलिमिनेशन मेथड से जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपको सारे टर्म्स एक साइड लाने होंगे तो मैंने वो काम पहले ही कर दिया अब ये तो हो गई यहां तक का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास आ गई लेकिन चैप्टर का नाम है पेयर हमें एक और इक्वेशन बनानी है कैसे उसके स्टेटमेंट आगे की बने अगेन यहां नूरी लिख देती हूं मैं यहां सोनू ध्यान से देखना टेन इयर्स लेटर ठीक है अब मैं ये बाद में लिखूंगी टेन इयर्स लेटर यहां बात हो रही थी पाँच साल पहले की यहाँ बात हो रही है दस साल बाद की अगर आप आज पंद्रह साल के हो दस साल बाद आपकी एज क्या होगी ट्वेंटी फाइव क्या किया आपने फिफ्टीन में टेन को ऐड किया तो फिलहाल एक्स और वाई यह है नूरी और अगेन ये है सोनू दस साल बाद की एज के लिए आप क्या करोगे x में भी 10 प्लस करोगे और y में भी 10 प्लस करोगे दोनों की एज में आपने 10-10 साल ऐड कर दिए तो 10 इयर्स लेटर यहां तक हो गया नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू यहां पे थ्राइस थी यहां पे केवल ट्वाइस रह गई अब आपको इतना पता है ट्वाइस का मतलब होता है यू हैव टू मल्टीप्लाई टू बट कहां करोगे नूरी के एज के साथ या सोनू के एज के साथ तो सिंपल सा आंसर है जैसे मैंने यहां बताया कि नूरी बड़ी है उससे दो गुना बड़ी है तो नूरी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे टू से नूरी की एज को तो नूरी तो और डबल बड़ी हो जाएगी ना इक्वल तो नहीं आएगा स्टेटमेंट इक्वल कब आएगा जब आप सोनू की एज को टू से मल्टीप्लाई करोगे जो कि छोटा है ठीक है छोटे वाले की एज को टू से मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस है तो वो इसके इक्वल आएगा ठीक है इसका एक छोटा सा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ आप मान लीजिए फिफ्टीन ईयर्स के हैं या आप मान लीजिए आप 20 इयर्स के हैं ठीक है और आपका कोई भाई है जो 10 साल का है तो और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यू आर ट्वाइस एज ओल्ड एज योर ब्रदर तो आप अपने अपने आपकी एज में टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये स्टेटमेंट इक्वल आएगी नहीं तो क्या करना चाहिए आपको जो आपका छोटा भाई है उसकी एज में टू मल्टीप्लाई करो ट्वाइस करो तब जाके इक्वल आएगी स्टेटमेंट है ना तो यही मैंने यहाँ पे किया है अब आगे इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से एक्स प्लस टेन टू इंटू वाई टू वाई टू इंटू टेन ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस ट्वेंटी ये टेन उधर ले जाएंगे एक्स इज इक्वल टू टू वाई ट्वेंटी ट्वेंटी टेन है ये प्लस टेन आ जाएगा ट्वेंटी माइनस टेन इज टेन सो अब यहाँ पे इक्वेशन अगेन हम एक साथ ले आते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी ना टू वाई प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा टेन प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन तो इस तरीके से तो आपको सिंपल सा तरीका है इस तरीके से तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है क्वेश्चन का वो यही होता है कि आपने यहां इक्वेशन सही बनाई है या नहीं अगर आपने यहां इक्वेशन में गलती कर दी तो एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म नहीं होगा हो भी गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा तो सबसे मेन चीज जो सीखने की है वो यही है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये सब तो मेथड जो है ना आप एक बार सीख लोगे तो आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो मेन चीज ये है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा ठीक है अब मैं इन दोनों इक्वेशन को लेकर चलती हूँ और एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करती हूँ और वो क्यों कर करना है क्वेश्चन पढ़ो हाउ आर ओल्ड आर नूरी एन सोनू अभी मैंने ये ध्यान रखना कि एज क्या ली है नूरी की एज एक्स ली है सोनू की एज वाई ली है ठीक है तो यहां पे क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल यानी कि उनकी प्रेजेंट अभी फिलहाल कितनी उम्र है हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो नूरी की एज है वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो सोनू की एज है अब मैं इतना इरेज करती हूँ दोनों ही आपको सॉल्व करके बताती हूँ सो so, अब दोनों इक्वेशन हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल जीरो सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आप इसके नाम से ही जान सकते हैं एलिमिनेट एलिमिनेट करना मतलब एक चीज़ को ख़त्म कर देना या बिल्कुल पूरे तरीके से हटा देना तो हमें इन दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले ऐसा काम करना है कि एक वेरिएबल पूरी तरीके से हट जाए तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ तो x माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा तो एक काम करते हैं पहले तो लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड ये लिखना बहुत ज़रूरी है ये एक स्टेटमेंट बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज पता होना चाहिए आप कौन से मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो बाई एलिमिनेशन मेथड फिर लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन या किसी भी इक्वेशन में से कुछ भी माइनस कर सकते हो आप वी गेट अब देखो सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हैं एक्स माइनस टू वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो सेकेंड है और फर्स्ट मैं इसी के नीचे रख लेती हूँ अब यहाँ पे एक मेन कंसर्न ये आता है कि बहुत से बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि इनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करें <coughs> तो इसका बहुत ही ईजी तरीका है देखो यहाँ आपको पहले सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको साइन देखने हैं अब ये जो एक्स है प्लस में नज़र आ रहा है आपको ये माइनस में है ये प्लस में है आप पहले साइन बदल दो जो यहाँ प्लस है ना उसको माइनस कर दो अपोजिट करने हैं जो यहाँ माइनस है उसको प्लस कर दो जो यहाँ प्लस है उसको माइनस कर दो और जो पुराने वाले साइन थे आप उनको बिल्कुल भूल जाओ आपको क्या करना है दूसरी क्वेश्चन के साइन बदलने हैं चेंज कर दिए अब देखो x माइनस एक्स कुछ भी नहीं होगा जीरो होगा तो ये कट हो गए ना वन माइनस वन जीरो कट हो जाते हैं वो नाउ प्लस माइनस माइनस होता है अब थ्री वाई में से टू वाई माइनस होगा क्योंकि थ्री वाई बड़ा है ना तो थ्री वाई में से टू वाई माइनस होगा तो वाई आएगा अब साइन देखो टू के साथ माइनस है थ्री के साथ प्लस है दोनों में से बड़ा क्या है थ्री थ्री के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आएगा तो सिंपल हमारा यहाँ पे आएगा वाई अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है माइनस माइनस प्लस होता है टेन प्लस टेन ट्वेंटी अब माइनस माइनस प्लस होता है साइन हमेशा माइनस का आता है ये आपको पता ही है अगर ये चीज़ याद नहीं होती तो उसका सिंपल सा बात है टेन और टेन दोनों इक्वल हैं दोनों का साइन माइनस है तो आप आंसर में भी माइनस ही लगाओगे बिकॉज हम आंसर में वो साइन लगाते हैं जो नंबर हमारे लिए बड़ा होता है इक्वल्स में तो ज़ीरो चल ही रहा है अब हमारे पास इक्वेशन आ गई y माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अब अगर आप ध्यान से देखो इस माइनस ट्वेंटी को दूसरी साइड ले जाओ तो y क्या आ गया हमारे पास ट्वेंटी y क्या आ गया हमारे पास ट्वेंटी अब देखो इक्वेशन वन इक्वेशन टू y हमने किसको लेट किया था मैं यहां पे लिख देती हूं हमने नूरी को लेट किया था x नूरी की एज को लेट किया था x और सोनू की एज को लेट किया था वाई सो so, सोनू की एज क्या है ट्वेंटी ईयर्स फिलहाल की अब देखो वाई की वैल्यू आ गई अब हमें एक्स की भी निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है किसी भी इक्वेशन में वाई की जगह 20 लगा दो तो मैं काम करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में लगा लेती हूँ स्टेटमेंट लिखनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन वी गेट एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो यही इक्वेशन है अब वाई की वैल्यू ट्वेंटी लगा दो जहां वाई है देखो थ्री के साथ वाई है ना तो हमने वाई की जगह ट्वेंटी लगा दिया अब देखो थ्री टू दिक्स अब इसको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है सिक्सटी माइनस टेन फिफ्टी हो गया और ये माइनस का साइन आएगा बिकॉज सिक्सटी बड़ा है ठीक है अब इस माइनस फिफ्टी को दूसरी साइड ले जाओ एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टी आंसर क्या आया कि एज आंसर uh, मैं आप इसको पहले दोबारा समझ लो एक बार अच्छे से सब एलिमिनेशन मेथड समझ आया हमने दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दिया जिसमें कि एक्स हट गया और जिससे हमारी वाई की वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू आने के बाद हमने किसी भी एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू को पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई अब हमने नूरी को एक्सलेट नूरी की एज को एक्सलेट किया था सोनू की एज को वायलेट किया था अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा आप पीछे जाके स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो सो एज ऑफ नूरी इज़ फिफ्टी ईयर्स क्योंकि एक्स हमारा फिफ्टी ईयर्स आया है सो नाउ एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स सो so, ये होंगे आपके आंसर्स अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि आपका आंसर गलत तो नहीं है तो आप इन इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करके देख लेना आपका आंसर दोनों साइड इक्वल आएगा ठीक है सो आप अगर इक्वल आता है जैसे यहाँ जीरो है अगर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका इक्वल आता है तो डेफिनेटली आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है सो दिस विल बी योर आंसर लेट मी इरेज दिस वन अगर ये आपको देखना हो तो आप बैक करके स्क्रीन लेके देख सकते हो सो so, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं बस कॉम्प्लिकेट नज़र आते हैं कि हम ऐज वाले बहुत से बच्चों को एक फोबिया काइंड ऑफ हो जाता है कि एज के क्वेश्चन बहुत मुश्किल मुश्किल होते हैं या फिर जो टैक्सी ड्राइवर वाले जो फेयर वाले होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं सारे क्वेश्चन आसान हैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना है प्रैक्टिकली सोच के चलना है सो एवरीथिंग इज इजी, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन बिलो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल थैंक यू